जो आप बना रहे हो वो वर्टिकल बनेगा या हॉरिजॉन्टल, लैंडस्केप बनेगा या पोर्ट्रेट में? ठीक है, तो मैं पोर्ट्रेट में बना रही हूँ क्योंकि मेरा जो कंपोजिशन है वो पोर्ट्रेट में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले तो आप सेंटर लाइन खींच लेंगे। यू हैव टू डिवाइड योर शीट इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, इक्वली। अब इसके बाद आपने ये देखना है कि जो आपका कंपोजिशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो, जैसे हम ये कंपोजिशन बना रहे हैं तो मेरा ये कंपोजिशन में यहाँ पर एक एप्पल है, ठीक है, यहाँ पर एक एप्पल है। तो हमने आपको, मैंने आपको क्या सिखाया है, ज्योमेट्रिकल बेसिक शेप्स 3D में, ठीक है, करा है तुमने ये काम। तो हमें उन्हीं को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना है। तो जो भी हम ऑब्जेक्ट इसमें लेंगे स्टिल लाइफ में, सबसे पहले उनको ज्योमेट्रिकल शेप्स में हमने डिवाइड करना है। तो एप्पल है तो हमने सर्कल ले लिया, ठीक है, और जो हमारा जग है तो उसके लिए हम रेक्टेंगुलर शेप लेंगे, ठीक है, ठीक है। बनाना के लिए हमने बेसिक शेप ले लिया, बनाना से याद आया, मैं बनाना लाई थी और खाया नहीं, ठीक है। तो अब हम जो भी ऑब्जेक्ट ड्राइंग होती है ना, उसे टू पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रेक्टेंगल बनाते हैं और उसका सेंटर लाइन लेते हैं, फिर उससे जो हम इधर बनाएंगे जितना मेजरमेंट लेके उतना ही हम इधर बनाएंगे। तो हमने सबसे पहले जो सबसे आउटर पार्ट है, पेंसिल से शार्प करना जरा, सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पॉट में जो सबसे आउटर पार्ट है हम उसे लेंगे, ठीक है। तो जो आउटर हमारी लाइन थी उससे हमने लाइन डाल दी। अब हमें ये पोर्शन बनाना है जो, और ये आउटर वाला बना, ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो हम इसके लिए जितना ऊपर की लाइन इधर सेंटर लाइन से हम डिवाइड कर देंगे इक्वली, ठीक है। अब यहाँ से हमारा पॉट का टॉप बना, फिर यहाँ से अब ये देखेंगे कितना अंदर हमने लिया। ये तुम मेजरमेंट ले लेना, मैं अंदाजे से बना रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ये मेजरमेंट नहीं लिया बट तुम ले सकते हो। कर दिया, दोनों तरफ इक्वल आ गया। अब हमने जो यहाँ से इक्वली लिया हुआ है ना, अब हम इसको थोड़ा सा सर्कल, मतलब हाँ, इसको कनकेव लेते हुए कन्वेक्स तक जाएंगे ऐसे, ठीक है, चला गया ये ऐसे। ये आपकी बन गई पॉट की शेप, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ये ऐसे करके इस पर कुछ हैंडल बना हुआ है, तुम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, रेंडरिंग करके ऑब्जेक्ट ड्राइंग करोगे तो अच्छी बनती है। रेंडरिंग माने होता है एक ही जगह पे लाइंस ऐसे ऐसे करके करना, इससे तुम्हें परफेक्ट लाइन मिलती है, ठीक है। तुम सोचोगे एक ही लाइन ऐसे ऐसे करके डालूं ये, ठीक है, ऐसे डालते हो ना तुम, ये ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस भी किया करो ऐसे, ये इस तरह की प्रैक्टिस किया करो ये, ठीक है। इससे तुम्हारा हाथ इतना फ्लो में चलेगा कि तुम्हारी जो ड्राइंग है वो भी फ्लो में बनेगी, ये देखो, ठीक है। तो तुम्हें है ना ऐसे करते करते ये पता चल जाएगा कि मेरी ऑब्जेक्ट की जो मेन लाइन है वो किधर ड्रॉ होगी, और जो बाकी का स्पेस बचेगा उसको हम इरेज करेंगे। अब ये जो आउटर है मुझे पता चल गया कि ये अच्छा नहीं है, ये मेरा जो मेन लाइन है वो ये है। तो हमने रेंडरिंग करने के बाद एक फाइनल ड्राइंग बना लेते हैं ऐसे। ये बन गई फाइनल ड्राइंग। अब मुझे इसमें दिख रहा है कि ये थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग हमें इसको ध्यान से देखना है, और हमें लग रहा है कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा होएगा ये, तो हमने इसकी लाइन डाली और अंदर वाली लाइन मिटा दी। तो आ गई हमारी एक प्रॉपर लाइन आ गई, ठीक है। अब ऐसे ही अब हमने जो एप्पल बनाए हैं, एप्पल है ये, पोमीग्रेनेट है, मुझे इसमें तो क्लियर नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं,
अब इसमें थोड़ा आर्टिस्टिक वे में एप्पल बनाए हुए हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा बेसिक बनाएंगे। हमने सर्कल शेप ली, ठीक है, सर्कल शेप बना ली हमने। अब हम इसके अंदर ठीक है ठीक है yes. सर्कल का मतलब ये नहीं होता है कि आपने सर्कल पे ही सब कुछ बनाना है। सर्कल एक हमारे लिए रेफरेंस की, या ये कह सकते हैं एक आउटर लाइन है जिसको हमने क्रॉस नहीं करना, बस हमने उसी की हेल्प से ड्रॉ करते जाना है। अब हमारा एक एप्पल तैयार हो गया। अब तुम ये देखो, तुम्हें ये वाला एप्पल किधर बनाना है। इधर बनाओगे तो ये सेमीटेनियल दोनों की सेम वो हो जाएगी, तो हमें मिरर इमेज टाइप नहीं बनाना है, हमें थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, डिफरेंट लगे। तो हम इसकी शेप इधर की तरफ बना देंगे, ठीक है। यहां से लिया, ठीक है, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा प्रॉपर शेप दिखाना। ये देखो खिचड़ी बनाई है थोड़ी सी लाइनिंग में, लाइंस में मैंने खिचड़ी बना दी। पता है क्यों? अब मुझे पता चल गया कि मेरी एग्जैक्ट लाइन कहाँ है। हाँ, 50 लाइन डाल दो तो तुम्हें दिख जाएगी कि हाँ कहाँ तक शेप आ रही है। ये देखो मिल गई हमें लाइन, एक बिल्कुल परफेक्ट वाली लाइन मिली है। ऐसा नहीं कि वो पतला लग रहा है पीछे से, ठीक है। ऐसे ही हमें ये लाइन मिल गई, तो हम आउटर जो हमारी सर्कल वाली लाइन थी वो हम इरेज कर देंगे, ठीक है। आ गई है, अब बनाना। अब देखो बनाना कैसे बनेगा। ये थोड़ा पर्सपेक्टिव में है, आपने ये देखना है कोई भी इमेज जब आप ड्रॉ कर रहे हो, कि जैसे हम पॉट को मेन इमेज मान लेते हैं, तो हमारे पॉट से ये जो एक लाइन जा रही है इसके नीचे से हमारा बनाना स्टार्ट हो रहा है ऐसे करके, ठीक है, है ना। ऐसे सर्कल होके आ रहा है ये कर्व में, और ये जो एप्पल है इसके यहाँ तक एंड हो रहा है। तो आपने उसी को ध्यान में रखना है, वहीं तक ही फाउंडेशन बना देनी अपनी, कि मेरे को इससे आगे नहीं जाना है, ठीक है। अब ये टच हो रहा है एप्पल से, टच होते हुए इससे टच नहीं हो रहा है। ये देखो यहाँ से टच नहीं हो रहा, तो हमने इसको टच नहीं किया, बस येलो बन गई। आपने बेसिक एक शेप बना लेनी है, और उसके बाद आपने जो आसपास की शेप्स हैं उनको ये देखना है कि ये पॉट से कितनी दूर है, कितना ऊपर टच हो रही है, ये वाली लाइन किधर की साइड है। सिर्फ ऐसे एक दूसरे को कनेक्ट करते हुए चलना है, आपका कॉम्पोजिशन तैयार हो जाता है। अदरवाइज आप ये सोचते हो कि ये यहाँ बना दोगे, इसको और आगे ले आओगे, ये जो इसकी हमने डंडी बनाई है ये यहाँ बना दोगे, लेकिन जब आप अपनी रेफरेंस इमेज से इसको देखते हो कि ये जो इसकी बेसिक बेस लाइन है वो कहाँ कहाँ है, तो आपको जो अदर इमेजेस होती है ना उससे ये पता चल जाता है कि ये चीज़ कहाँ आ रही है, ठीक है। अब हमारी बेसिक इमेज तैयार हो गई है, अब इसको हम इरेज करेंगे। हमें पेंसिल लाइन भी चाहिए, जल्दी से कलर लेंगे।